सना पाकिस्तान ने आज खेल पेश किया, फील्डिंग, फिर उसके बाद बॉलिंग और सबसे पहले टॉस जीतकर जो फील्डिंग का फैसला लिया, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए रिजा, पाकिस्तानी टीम जो है अंडर प्रेशर तो होगी। 368 रन का टारगेट है, आसान टारगेट नहीं है और एक बड़ा टारगेट है। इससे पहले पाकिस्तान ने 345 रन का टारगेट अचीव किया था श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन श्रीलंका की बॉलिंग के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग खासी तगड़ी है और उनके इब्तदाई अगर फास्ट बॉलर जिसमें जोश हेजलवुड, उसके अलावा मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस अगर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद इस पिच पर बैटिंग करने के बजाय ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देखें इस टूर्नामेंट में जब भी हदफ के ताकुब में गई है तो मुश्किलात का शिकार रही है, उन पर प्रेशर रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने बजाय इसके कि उनको हदफ एक देता पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान ने खुद ही टॉस जीत कर पहले बॉलिंग कर ली। मैं समझता हूँ मुकाबला होगा, लेकिन शुक्र करें कि आखिर में ऐसा लग रहा था कि 400 रन हो जाएंगे इज़्ज़ा, लेकिन शुक्र करें कि आखिर में रन रोक दिए गए और सिंगल डबल हुए। यानी कि अगर हम देखें तो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई और बैट्समैन उस तरह से बैटिंग नहीं कर सका। तो चले अब भी देर आयत दुरुस्त आयत, पाकिस्तान कैन विन दिस मैच। पाकिस्तान की बैटिंग में बाबर आजम जैसा बैट्समैन मौजूद है, मोहम्मद रिजवान मौजूद है, अब इमामुल हक क्या करते हैं, अब्दुल्ला शफीक आज किस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, मैं समझता हूँ यकीनन पाकिस्तान के लिए मौका होगा। इब्तदाई ओवर्स में हमें देखना पड़ेगा कि इब्तदाई ओवर्स में पाकिस्तान जिस तरह की बैटिंग करेगा उससे टोन सेट होगी इस मैच के जीतने या हारने के हवाले से। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा वार्नर और मार्श के बाद मार्क स्टोनिस हैं जिन्होंने नुमाया रन्स बनाए, 21 रन्स बनाए और उसके अलावा कोई भी खास नंबर्स नहीं बना सका, लेकिन जो वार्नर और मार्श ने रन्स बनाए वही काफ़ी थे। अब अगर पाकिस्तान जब चेस करने के लिए आता है तो बाबर आजम पर कितनी जिम्मेदारी है और स्पेशली हमारा जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनिंग बैट्समैन है, विकेट नहीं जल्दी गिरने चाहिए, पावर प्ले को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? देखिए हिजा, पिछला जो भारत के खिलाफ मैच था वहां पर भी पाकिस्तान बिल्कुल सही जा रहा था। शुरू के जो रिजवान और बाबर जब बैटिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद आपकी 8 विकेट 36 रन के इजाफे के बाद गिर गई। तो अब हमारे मिडिल ऑर्डर का भी इम्तिहान होगा, इब्तदा में ओपनर्स किस तरह की बैटिंग करते हैं, आया इमामुल हक डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं या फिर स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक एक टेक्निकली साउंड प्लेयर है तो अब्दुल्ला शफीक तो उस तरह से या रेहाना अंदाज बाद में इख्तियार करते हैं। इमामुल हक पे बहुत जिम्मेदारी आयद होगी और फिर जिस तरह आपने कहा बाबर आजम और रिजवान, तो मैं समझता हूँ मुकाबला अच्छा होगा। जिम्मेदारी से अगर खेलें तो कोई इतना ऐसा नाकाबले अचीव टारगेट नहीं है कि आप उसको नामुमकिन को मुमकिन ना बना सकें। मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग भी अंडर प्रेशर है, अगर आप बॉलिंग भी उनकी अंडर प्रेशर है, अगर आप देखें एडम रंपा के अलावा उनके फास्ट बॉलर खासी उनकी पिटाई हुई है। तो डिपेंड करता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप किस तरह की होती है इज़्ज़ा, अगर अच्छा आगाज मिल गया, अच्छी देख बन गई तो पाकिस्तान इस मैच में आगे जा सकता है। बिल्कुल, एक ओपनिंग जो हमारी शराकत है वो अच्छी बननी चाहिए और काफ़ी जिम्मेदारी जो है वो बैट्समैन पे है, ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि हमारे पास मार्जिन नहीं है।